स्वागत है दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हूं जिसका नाम सर इडियम्स एंड फ्रेज। दोस्तों इडियम्स एंड फ्रेज मुहावरे और वाक्यांश, इसमें विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा समस्या होती है। सभी विद्यार्थी कहते हैं सर याद करते हैं लेकिन भूल जाता है, इडियम्स एंड फ्रेज कैसे याद करें। तो सारे विद्यार्थियों की डिमांड पर मैं आज इडियम्स एंड फ्रेज लेकर आया हूं। आपको मैं आज एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक देने जा रहा हूं, तरीका बताने जा रहा हूं किस तरह से आप इडियम्स एंड फ्रेज याद करेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए फिर बताइए इडियम्स एंड फ्रेज कैसे नहीं याद होता है। आप भूल कर दिखाओ, मैं बता रहा हूं इडियम्स एंड फ्रेज याद करने का तरीका, बहुत ही जबरदस्त तरीका, एकदम आसानी से आप बिना याद किए याद हो जाएगा। एक बार आपकी और वीडियो देखेंगे आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो चलिए देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेज का एक जादुई तरीका, बहुत ही जबरदस्त तरीका कैसे याद करना है बिना याद किए याद हो जाएगा। केवल आप वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहे। तो इडियम्स एंड फ्रेज दोस्तों, इडियम्स माने मुहावरे, फ्रेजेस माने वाक्यांश। ये मुहावरे लोकोक्तियां भी जिसको प्रॉवर्ब कहते हैं उसी से रिलेटेड रहते हैं। ये इडियम्स एंड फ्रेज में होता क्या है, कोई भी शब्द रहते हैं तो उनका शाब्दिक अर्थ नहीं किया जाता है, मेटाफरिक अर्थ किया जाता है। जैसे रूपक अलंकार मेटाफर आप पढ़े हैं, उसमें कोई चीज मान लिया जाता है, तो उसी तरह से इसको भी मान लिया जाता है, रूपक अलंकार होता है। तो अब जो भी अंग्रेज लोग कहते चले हैं आज तक, जो कहे हैं वो लैंग्वेज का पार्ट बन गया, भाषा का अंश हो गया है, तो उसको शाब्दिक अर्थ नहीं लेकर मेटाफरिक अर्थ लिया जाता है। और कैसे आप समझ के इसका अर्थ निकालते हैं, परीक्षा में सही ऑप्शन तक पहुंचेंगे, ये इडियम्स हाई इंटर के कोर्स में आता है, उसके बाद बीए एसएससी कोई भी कंपटीशनल एग्जाम सब में आता रहता है। अभी आप क्वांटर में 5 इडियम्स एंड फ्रेज दे दिया जाएगा, कहेगा 3 बनाइए और 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इस तरह से याद करके। बाकी एसएससी या अन्य कंपटीशनल एग्जाम में दे देता है, कहता है उसका मीनिंग बताइए, तो मैं इस तरह से बताने जा रहा हूं। आप चाहे जिस एग्जाम में देना चाहे आप बैठना चाहे आराम से आप उसको क्रैक कर सकते हैं, बहुत आराम से हल कर सकते हैं इडियम्स एंड फ्रेज। तो चलिए देखते हैं इंटरेस्टिंग तरीका कैसे हम इडियम्स एंड फ्रेज को याद करेंगे। पहला इडियम्स हम लिख के रखे हैं ऑल इन ऑल, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा गया है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मींस होता सर्वे सर्वा, तो सर्वे सर्वा कैसे याद होगा ऑल इन ऑल, आपको सेंस समझना है कहने का क्या मतलब है, सब में सब ऐसा तो हो नहीं सकता, सब में सब आपको अटपटा भी लगेगा, कहने का मतलब सर्वे सर्वा होल एंड सोल, होल एंड सोल जिसको अंग्रेजी कहते हैं। तो आप इसके ऊपर कोई भी वाक्य अपने मन से बना लीजिए लॉन्ग टाइम पर याद करने के लिए, और इंटरमीडिएट की परीक्षा में अगर आपको लिखना है तो भी आप अपने मन से वाक्य बना के लिख सकते हैं, नहीं तो किताब में आपको वाक्य मिल भी जाएंगे। बाकी कंपटीशनल एग्जाम है तो आप भी आप वाक्य बना के आप लॉन्ग टाइम इसको अपने हिसाब से याद भी कर सकते हैं। तो जैसे आप ऑल इन ऑल के ऊपर आप अपने मन में सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आई एम ऑल इन ऑल इन माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस में ऑल इन ऑल हूँ, सर्वे सर्वा हूँ। आई एम ऑल इन ऑल इन माई फैमिली, मैं अपने परिवार में ऑल इन ऑल हूँ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज ऑल इन ऑल इन द डिस्ट्रिक्ट, जिला अधिकारी जिला मिस ऑल इन ऑल होता है, सर्विस सर्वा होता है। प्रिंसिपल इज ऑल इन ऑल इन द स्कूल, प्रिंसिपल स्कूल में ऑल इन ऑल होता है। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ऑल इन ऑल सब में सब अर्थात सर्विस सर्वा याद हो गया ना इतना आसानी से। अगला इडियम्स देखते हैं एट सिक्स एंड सेवन, बेतरतीब, बेतरतीब इन डिसऑर्डर, इस पद डिसऑर्डर, ऑर्डर में क्रम में रखना, डिसऑर्डर से उल्टा, आप बिना क्रम के रखना यानी बेतरतीब रखना, आप व्यवस्थित ढंग से रखना, तितर बितर करके रखना, ये सारे इसकी हिंदी मीनिंग होती है, बेतरतीब या तितर बितर या आप व्यवस्थित। तो एट सिक्स एंड सेवन याद कैसे होगा, आप समझिए छह और सात, छहों सातों बहुवचन लिखा गया, ऐसा तो कोई वर्ड देखे नहीं है सिक्स और सेवन का बहुवचन, तो आप ऐसे छह और सात तक शाब्दिक अर्थ आप पहले निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद उसको समझिए, लॉन्ग टाइम याद है कभी नहीं भूलेगा। मान लीजिए आप बुक से ही है किताब, आप स्टूडेंट्स हैं रखे हो, कहीं छह रख दिए कहीं सात रख दिए, क्रम कोई घट है कोई बढ़ है, कोई सामान है कहीं छह छह का रखना है, आप सात सात रख दिए, किस
किसी में छा रही है, तो बेतरतीब हो गया ना अव्यवस्थित, मतलब उसका क्रम सही नहीं हुआ, तो उसे कहते हैं एड सिक्स एंड सेवन इन डिसऑर्डर, अव्यवस्थित बेतरतीब, तो एड सिक्स एंड सेवन इस तरह से याद हो गया। एवरेड ऑफ रोजेस माने होता है फूलों की सेहत मतलब क्वाइट कंफर्टेबल, बिल्कुल आरामदायक, फूलों की सेहत मतलब बिल्कुल आरामदायक स्थिति होना, एकदम सुख में होना। तो आप क्या करेंगे, तो अब मान लीजिए फूलों की सेज है, कोई फूलों की सेज है, कोई सेज मतलब बिस्तर है, तो उसमें केवल गुलाब के फूल है, किसी चीज के फूल ही हैं, तो बिल्कुल आरामदायक स्थिति आपको लगेगा, तो उसी को कहते हैं फूलों की सेज, यानी क्वाइट कंफर्टेबल, बिल्कुल आरामदायक स्थिति। तो आप सेंटेंस अपने मन से बना सकते हैं, लाइफ इज नॉट अवेड ऑफ रोजेस, जीवन फूलों की सेज नहीं है। और टू फाइंड द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इज नॉट अवेड ऑफ रोजेस, प्रिंसिपल का पद पाना फूलों की सेज नहीं, इतना आसानी से नहीं पा जाएंगे, जीवन में भी तो दुख ही रहेंगे, सुख भी रहेंगे, निराश सुखी नहीं रहेंगे, इस तरह से आप बना सकते हैं। सच एंड सेवंस का भी आप सेंटेंस बना सकते थे, आई फाउंड ऑल माई बुक्स इन द रूम एट सच एंड सेवंस, मैं अपने कमरे में गया तो सारी किताबों को बेतरतीब पाए, बच्चे इधर उधर कर दिए थे, तो इस तरह से सेंटेंस सबके ऊपर बना सकते हैं। एड फ्यूल टू फायर माने टू मेक द सिचुएशन वर्स, टू मेक द सिचुएशन आर मैटर वर्स, कोई भी मामला हो या परिस्थिति हो उसको गंभीर बना देते, तो इसका अर्थ आपको मिल रहा है अग्नि में घी का कार्य करना या उत्तेजना को बढ़ाना। एड फ्यूल टू फायर मीन्स अग्नि में घी का कार्य करना या उत्तेजना को बढ़ाना। कैसे याद होगा, एड फ्यूल टू फायर, फ्यूल माने होता है ईंधन, फायर मीन्स होता आग, अगर आग जल रही है उसमें आप घी को डाल देंगे, फ्यूल अग्नि को जल रही है आप घी डालेंगे तो उसके लिए फ्यूल का काम करता है, तो अब अग्नि और तेज से जलने लगती है, कहीं हवन हो रहा है उसकी हो रहा है, आप देखते हैं घी डाल दिया जाता तो अग्नि की उत्तेजना क्या होती है, बढ़ जाती है। एड एड मींस बढ़ाना, फ्यूल ईंधन टू फायर, आग के लिए ईंधन बढ़ा दे रहे हैं तो जानिए उस अग्नि में घी का कार्य आप कर रहे हैं, उत्तेजना को बढ़ाना। लेकिन ये आदमी के ऊपर अप्लाई होगा, मतलब कोई आदमी बहुत क्रोधित है, आप उस पर कुछ ऐसी बात कर दी तो उसको और खराब लग गया, तो एड फ्यूल टू फायर हो गया। कोई अधिकारी क्रोधित है, उसका सर्वेंट उसका आदमी उसके उसके उससे कुछ ऐसी बात कर दिया कि उसको और क्रोध लग गया, तो एड फ्यूल टू फायर, पहले से क्रोध था और क्रोध था। इस तरह से आप सेंटेंस अपने मन से बना सकते हैं, जैसे डिसकोर्टियस रिमार्क ऑफ मोहन मेड हिज ऑफिसर एड फ्यूल टू फायर और एडेड फ्यूल टू फायर, तो मतलब मोहन मान लीजिए कोई आदमी था तो उसका अभिनम्र उत्तर उसके ऑफिसर का अधिकारी के लिए एडेड फ्यूल टू फायर कर दिया, उत्तेजना को और अधिक बढ़ा दिया, क्योंकि विनम्रता को पता नहीं बोला। इस तरह से आप सेंटेंस बना भी सकते हैं, नहीं तो आप इसको याद कर सकते हैं, एडेड फ्यूल टू फायर मतलब अग्नि में घी का कार्य करना अर्थात उत्तेजना को बढ़ा। अगला है एट वंस बिट्स इन टोटली कंफ्यूज, एट वंस बिट्स इन टोटली कंफ्यूज या परप्लेस इसको कहते हैं, चकरा जाना या किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना इसका मतलब होता है। अब याद कैसे होगा, एट वंस वन माने व्यक्ति होता है, बिट माने बुद्धि, एक माने किसी की बुद्धि का अंत हो गया, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, अर्थात वो क्या हो गया है, चकरा गया है, कंफ्यूज हो गया, टोटली पूरी तरह से कंफ्यूज हो, भ्रमित हो गया है, परप्लेक्स्ड हो गया है, उलझ गया है, तो इसके कहते हैं एट वंस बिट्स इन चकरा जाना। आप सेंटेंस अपने मन से बना सकते हैं, सीइंग द क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट द स्टूडेंट्स वर एट देयर बिट्स इन, कठिन प्रश्न पत्र को देकर विद्यार्थी की क्या हो गई, चकरा गया, कोई आदमी कोई बता सकते हो, तो इस तरह से एवं बोर्ड माने अस्पष्ट, ईमानदार तथा स्पष्ट, एवं बोर्ड में ईमानदार तथा स्पष्ट, ऑनेस्ट मीन एंड फ्रैंक, फ्रैंक माने स्पष्ट, ऑनेस्ट मीन ईमानदार, ईमानदार और स्पष्ट, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। याद कैसे होगा, एवं माने ऊपर, बोर्ड माने होता बोर्ड, अब बोर्ड के ऊपर हम लिख दिए हैं, तो कोई भी आदमी अगर पढ़ा रहा है तो बोर्ड के ऊपर अच्छे से लिख के तब समझा रहा है, तो वो ईमानदार है, पढ़ाई के प्रति मेहनत कर रहा है और स्पष्ट भी कर दे रहा है अपने बच्चों को, हर चीज क्लियर कर दे रहा है, स्पष्ट कर दे रहा है, तो एवं बोर्ड के ऊपर अगर लिख के समझा दिया जाए तो जानिए जो समझाने वाला आदमी ईमानदार है और स्पष्ट भी है अपने समझाने के मामले में, तो एवं बोर्ड ईमानदार और स्पष्ट, ठीक है। वी शुड बी एवं बोर्ड इन आवर डीलिंग्स विद अदर्स, हमें दूसरों से ईमानदार और स्पष्ट होना चाहिए। लेन देन इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड आर बोन ऑफ कंटेंशन, दो मुहावरे हैं दोस्तों इसमें, एक एप्पल ऑफ डिस्कार्ड इतना आएगा परीक्षा में आपको, या बोन ऑफ कंटेंशन आएगा,
झगड़े की जड़ होता है काज ऑफ क्वारल होता है, याद कैसे होगा, एपल ऑफ डिस्कार्ड। अब एपल मींस होता है सेव, डिस्कार्ड कार्ड इसमें रूट वर्ड है दोस्तों, कार्ड कार्ड मतलब होता है हार्ट और हृदय, कार्ड में से रस्सी भी होता है लेकिन हृदय भी होता है, तो जैसे कार्डियोलॉजिस्ट माने होता है हृदय रोग विशेषज्ञ। तो डिस मतलब क्या, बनगुटा। डिस अपोजिट मतलब अगर दो लोगों के दिल मिल रहे हैं तो जान लीजिए उसमें मित्रता है, डिस अपोजिट मतलब मित्रता नहीं शत्रुता है, तो झगड़ा होगा। तो झगड़ा, झगड़े का सेव आपको नहीं करना, झगड़े की जड़। मान लीजिए कोई एक सेव है उसको लेकर वो तीन लोग क्या कर लिए, झगड़ा कर लिए। ये ग्रीक मिथोलॉजी में कहानी है कि एक देवी थी वो मतलब पूजा पाठ कर रहे थे तो प्रकट हुई, तो उन्होंने एक सेव दे दिया, तो सेव तीन महिलाएं थी, तो वो कहीं मैं लूंगा पूरा, वो कहीं कि मैं लूंगा, तो सेव को लेकर क्या झगड़ा हुआ, सेव देखी था तीनों लोग आपस में झगड़ा करने लगे, तो वो क्या वहां से मुहरा निकल कर झगड़े का सेव अर्थात झगड़े की जड़ वही सेव नदी होती देवी, तो झगड़ा ना भी हुआ होता। इस तरह से आप इसको आराम से याद कर सकते हैं, कोई सेव है सेव को लेकर झगड़ा कर लिया दो तीन लोग, तो झगड़े की जड़ हो गया उससे, क्लियर। अब इस तरह से आप क्या, क्योंकि मुहावरेदार भाषा कभी लोग लिखते हैं, लेखक लोग लिखते हैं, अब आप झगड़े का सेव अब हो नहीं सकता तो क्या होगा, झगड़े की जड़। इस तरह से आराम से समझ सकते हैं। तो बोन ऑफ कंटेंशन माने भी झगड़े का जड़, परीक्षा में आपको ये भी दे सकता है, दोनों एक साथ याद कर रहे हैं आपकी आसानी के लिए लिख दिए। तो झगड़े की जड़ अब याद कैसे होगा, बोन मिस होता हड्डी, कंटेंट कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन उससे बना है कंटेंशन, कंटेंट मतलब उससे संतुष्टि होता है, तो लेकिन संतुष्टि नहीं है बोन, क्योंकि बोन हड्डी क्या हो गई है, बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े की जड़ हो गई है हड्डी। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कभी कभी कुछ कुत्ते होते हैं कि कोई हड्डी वगैरह पा लेते हैं तो फिर कोई दूसरा लेने लगता है, तो एक दूसरे से क्या करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, वो खींचने लगता, कोई मीट वगैरह किसी कोई आदमी खा रहा दे दिया तो एक कुत्ते के पास दूसरा भी खींचने लगता है, या कहीं से भी पा गए तो उस हड्डी को लेकर क्या करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। इस तरह से बोन ऑफ कंटेंशन को आप आराम से याद कर लेते हैं, झगड़े की जड़। तो बोन की हड्डी आपके माइंड में आ गया पहले, तो हड्डी को लेकर क्या हुआ, झगड़ा, यहाँ सेब को लेकर झगड़ा हुआ, वहां हड्डी को लेकर झगड़ा। इस तरह से बोन ऑफ कंटेंशन या एपल ऑफ डिस्कार्ड दोनों का मतलब क्या होता है, झगड़े की जड़। आप इसके ऊपर सेंटेंस बना सकते हैं, कोई भी वाक्य बना सकते हैं, तो जैसे कश्मीर इज एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ है। कोई भी दूसरा भी सेंटेंस बना सकते हैं, प्रॉपर्टी वाज एपल ऑफ डिस्कॉर्ड और बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन हिज टू ब्रदर्स, उसकी प्रॉपर्टी संपत्ति उसके दो बिटवीन टू सन्स उसी के सकते उसके दो पुत्रों के बीच झगड़े की जड़ती। एट डायगोस्ट्रॉन मीन घोर शत्रुता, एट डायगोस्ट्रॉन घोर शत्रुता, अब यहाँ कैसे याद होगा, बिटर एनिमीज, बिटर एनिमीज या ओपन एनिमिटी भी आप इसको कह सकते हैं, खुली शत्रुता या घोर शत्रुता। आप देखिए याद कैसे होगा, डैगर माने क्या होता है, कटारी या खंजर, कटारी या खंजर जिसको तलवार टाइप में जो होती है जिससे मार किया जाता है, ड्रा माने खींचना। अगर दो लोगों में अगर तलवार खींच गई, डैगर खींच गया, कटारी खींच गई, तो क्या होगा, घोर शत्रुता है तभी तो खींचेगा। एट माने पर, डैगर माने कटारी के या खंजर के, खंजर के खींच लेने पर, तलवार या खंजर के खींच जाने पर कब खींचेगी, जब दोनों लोगों में शत्रुता रहेगी। तो आप बिटर एनिमीज उसका मतलब होता है, सेंटेंस आप आराम से समझ सकते हैं, जैसे राणा प्रताप एंड अकबर वर एट देयर डैगरस्ट्रॉन विद ईच अदर, राणा प्रताप और अकबर में एक दूसरे से क्या थी, एट डैगरस्ट्रॉन था, घोर शत्रुता थी। दोस्तों आप इसको अपने जनरल लाइफ में यूज करिए, बोलिए हिंदी भाषा में आप बोलिए, जैसे किसी से आपको कहना है कि राणा प्रताप और अकबर में घोर शत्रुता थी, तो आप ऐसा ना कहिए, राणा प्रताप और अकबर में, राणा प्रताप और अकबर एक दूसरे से एट डायगोस्ट्रॉन थे, घोर शत्रुता में थे, ऐसे कहिए, आराम से याद हो गया। उसकी प्रॉपर्टी उसके दोनों पुत्रों के बीच काज ऑफ क्वारल ना कह के आप कह दीजिए एपल ऑफ डिस्कॉर्ड थी, बोन ऑफ कंटेंशन थी, झगड़े की जड़ थी। इस तरह से आराम से आप याद कर सकते हैं, जनरल लाइफ में यूज करके अपने माइंड में पिक्चर सेटअप करके अपने बोलचाल की भाषा में। अगला है एन एपल ऑफ वन आई माने वेरी डियर, अति प्रिय या आंखों का तारा, एन एपल ऑफ वन आई माने होता आंखों का तारा। अब देखिए आंखों का तारा अति प्रिय, तो आप याद कैसे करेंगे, आप माइंड में मेंटल पिक्चर क्रिएट करिए, अभी आपको लॉन्ग टाइम तक याद है एन एपल ऑफ वन आई। अब एपल क्या होता है, मार्केट में जाकर देखते हैं आप, एपल ऑफ वन आई, आंखों को हमारे एपल फल सबसे ज्यादा प्रिय रहता है, हम कोई फल खाए ना एपल तो सबको प्रिय होता है, तो जैसे एपल सबको प्रिय होता है उसी तरह से हर माँ बाप को उसका लड़का प्रिय रहता है, माँ को उसका बच्चा प्रिय रहता है।
तो आप इस तरह से एपल आप कौन सा है आंखों का सेब, आपके मन में आगे साफ दिक्कत आंखों का सेब तो हो नहीं सकता है, तो आंखों का सेब नहीं होगा तो आंखों का तारा होगा, अर्थात अद्भुत हो जाए सेब हमको आंखों को अद्भुत लगता है इसी तरह से होता है। तो एपल ऑफ वंश आए आप इसको समझ सकते हैं, इसके ऊपर सेंटेंस अपने मन में बना सकते हैं। जैसे आपको कहना है राम दशरथ की आंखों के तारे थे तो आप कह सकते हैं राम वाज एपल ऑफ दशरथ आए, राम दशरथ की आंखों के क्या थे, तारे थे। एंड एज टू गेंड माने होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। तो अब इसको आराम से आप याद कर सकते हैं पर्सनल गेंस टू सर, एपल ऑफ कौन सा है वेरी डियर, तो एज टू गेंड माने होता है पर्सनल गेंस टू सर माने अपना स्वार्थ सिद्ध करना, याद कैसे होगा अपना स्वार्थ सिद्ध करना। इसमें भी उसको याद करने की मैं तरीका बता रहा हूं, ग्रिंड माने होता पीसना और एक्स माने होता कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को पीसना, पीसना का मतलब क्या, कुल्हाड़ी को पीसना नहीं उसमें धार लगाना, ठीक है। तो धार लगाया जाता है जो उसको घिस करके कुल्हाड़ी को किसी पत्थर वगैरह पे सांप लगाना, धार लगाना उसको कहते हैं ग्रिंड, तो धार लगाना या पीसना ग्रिंड माने होता है। एक्स टू ग्रिंड ये ग्रीक मिथोलॉजी से है दोस्तों, इंग्लिश में कम से कम 40% वर्ड ग्रीक और लैटिन भाषा से आए हैं, तो ग्रीक मिथोलॉजी में जो कहानी है सब ओल्ड समय के हैं, तो वहां से मुहावरे चलते आए हैं प्रसिद्ध हो गए हैं। एनएस की ग्रंथ उसमें एक ग्रीक मिथोलॉजी में कहानी थी कि आदमी था वो जो है उस कुल्हाड़ी से लकड़ी का काम करता था, तो दूसरे के पास जाता था तो कुल्हाड़ी में धार लगाने के लिए उसके पास जाता था, कुछ दिन बाद जब वो लकड़ी का काम करना बंद कर दिया तो उसके पास जाना बंद कर दिया, तब वो आदमी कहा वो हमारे पास एन एक्स टू ग्रिंड करने आता था, अपना स्वार्थ सिद्ध करने आता था, क्योंकि अब मौके पे लकड़ी काम नहीं करता, कुल्हाड़ी काम नहीं करता है, तो अब नहीं आता है, सिर्फ पता एन एक्स टू ग्रिंड कुल्हाड़ी पर धार लगाने के लिए जाना, मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना, क्योंकि बाद में जाना बंद कर दिया। तो इस तरह से अब एक्स माने कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी वाली स्टोरी में बताया आपके दिमाग में आएगी तो आराम से याद हो जाएगा। तो पर्सनल एड्स टू सर, तो आप सेंटेंस आप बना सकते ही हैज ए पर्सनल एड्स टू सर विथ मी, वह मेरे साथ जो है अपना स्वार्थ सिद्ध करना था उसे, ठीक है। इस तरह से आप अपने मन से सेंटेंस दे सकते हैं दोस्तों। एक बार हम देख ले रहे हैं हम क्या क्या मुहावरे बताए आपको, क्विक रिवीजन कर लीजिए मेरे साथ। ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा, सबमे सब भीतर सर्वे सर्वा, एट सिक्स एंड सेवन तितर भीतर अव्यवस्थित होना, किताबें तितर भीतर हो गई थी, छाया कहीं कहीं साथ रख दी गई थी, इस तरह से आपको रिवीजन कर लिया। इंडिस्कार्ड एवेड ऑफ रोज फूलों की सेज या क्वाइट कंफर्टेबल बिल्कुल आरामदायक स्थिति, जीवन में सुख भी आते सुखी नहीं आते दुख भी आते, तो एकदम आरामदायक स्थिति में जीवन नहीं रहता है, या किसी पोस्ट पाना प्रिंसिपल का या प्रधानमंत्री का तो एकदम बिल्कुल आरामदायक स्थिति क्वाइट कंफर्टेबल नहीं होता। तो ऐड फ्यूल टू फायर मतलब अग्नि में घी का डाल लाना, फायर में अगर आप डालेंगे जहर सी बात घी तो उसके बढ़ेगा उत्तेजना, उसी तरह से आदमी को क्रोध है कुछ कर दोगे तो उत्तेजना बढ़ेगा। तो टू मेक मैटर वर्स एड वन स्वीट सीन, अगर बुद्धि समाप्त हो गई व्यक्ति की तो क्या हो जाएगा, चकरा जाएगा, परप्लेक्स हो जाएगा, टोटली कंफ्यूज हो जाएगा। ये बोर्ड बोर्ड पर अगर कोई चीज लिख दिया गया ईमानदारी से और अस्पष्ट, ईमानदार और अस्पष्ट नहीं रहेगा जो लिख कर समझाएगा अच्छे से, तो ये बोर्ड बोर्ड के ऊपर लिखा गया तो एकदम अस्पष्ट हो जाता है। एनेबल ऑफ डिस्कार्ड या बोना टेंशन को झगड़े की जड़ कारण कादा पैरल एबल को लेकर झगड़ा हुआ तो झगड़े की जड़ हुआ, एबल ऑफ डिस्कार्ड हुआ बोना टेंशन हड्डी को लेकर कुत्ते झगड़ा इधर उधर गए तो झगड़ा किया आपस में तो झगड़े की जड़ हो गया। एट डायगस डाउन अगर डायगस खंजर या कटारी तलवार खींची अगर तो जाहिर सी बात है उनमें घोर शत्रुता है खुली दुश्मनी है। अपना स्वार्थ सिद्ध करना कुल्हाड़ी लेकर बहाने बताया ग्रीक मिथोलॉजी में आदमी के पास जाता था बाद में काम करना बंद के लिए कुल्हाड़ी को नहीं गया तो इससे पता चल गया अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आता था। दोस्तों इस तरह से आप इसको आई होप आपको समझ में आ गया वीडियो कब समझ, अगर आपको नहीं सभी याद है एक दो बार और देख लीजिए हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे, वैसे तो एक ही बार में याद हो गया होगा। आप इस तरह से इंटरेस्टिंग तरीका मेरे साथ जानिए कैसे सभी मुहावरे मैं ऐसे धीरे धीरे करके सभी मुहावरे याद करवा दूंगा, परीक्षा के लिए एक भी नंबर आपका नहीं मिस होगा। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और अब इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सभी दोस्त सभी स्टूडेंट्स जिनको भी मुहावरे को लेकर परेशानी है फोबिया है डर है
कि नहीं याद होगा, भूलेगा, तो उनकी ये समस्या दूर हो सके। और ज्यादा ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करिए, सबको जानकारी हो सके, इंटरेस्टिंग तरीका जान सके, और जुड़े रहें, बने रहें। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।